In today's video, we will be studying about the structure of human heart. The structure of human heart. Okay, children. Now, first of all, you need to know is that the human heart has got four chambers. We have two atriums, which are also called auricles, and two ventricles. Okay. Right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. अब आपको ये बता दूँ जो हमारा लेफ्ट पार्ट हार्ट का है इसमें प्योर ब्लड होता है. देखो मैंने रेड एरोज बना रखे हैं. ओके. और जो राइट पार्ट होता है इसमें हमने ब्लू एरोज बना रखे हैं ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर इम्प्योर ब्लड होता है. ओके. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी बॉडी में वीना कावा जो है हमारी बॉडी के सबसे बड़े वेन्स होते हैं. लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो वीना कावा के अंदर एंटर करता है. दैट इज़ इन्फीरियर वीना कावा के अंदर एंटर करता है. और जो अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वीना कावा के अंदर एंटर करता है. तो इम्प्योर ब्लड विल एंटर इनटू द हार्ट बाय द थ्रू द वीना कावास. ओके. नाउ दिस विल क्रिएट अ प्रेशर इनसाइड द राइट आट्रियम. अ प्रेशर इज क्रिएटेड इनसाइड द राइट आट्रियम विच विल रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ द वाल्व्स. यहाँ पर आट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है. ये वाल्व खुलेंगे और ये खून जो है आ जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर. जैसे ही खून राइट वेंट्रिकल में आता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं. बट याद रखना यहाँ कभी वैक्यूम क्रिएट नहीं होता. सारा ब्लड नहीं आता, थोड़ा बहुत इसमें रह जाता है. अब जो राइट वेंट्रिकल है इसके वॉल्स थोड़े से थिक होते हैं, उसके कारण यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है. और ये हमारी पल्मनरी आर्टरी है. पल्मनरी आर्टरी हमारी बॉडी की एक इकलौती ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर जो है इम्प्योर ब्लड ले जाने वाली. तो ओनली आर्टरी विच कैन सप्लाई इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स इज द पल्मनरी आर्टरी. सो व्हाट विल हैपन, ये जो सेमिलूनर वैल्व हैं पल्मनरी आर्टरी के ये खुल जाते हैं और ये इम्प्योर ब्लड एंटर करता है पल्मनरी आर्टरी के अंदर. जैसे ही इम्प्योर ब्लड पल्मनरी आर्टरी के अंदर जाता है तो ये सेमिलूनर वैल्व बंद हो जाते हैं क्योंकि वैल्व विल नॉट अलो द ब्लड टू फ्लो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. नाउ द ब्लड विल फ्लो टुवर्ड्स द लंग्स. पल्मनरी आर्टरी के दो ब्रांच होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट साइड की तरफ. जो लेफ्ट ब्रांच है इट विल कैरी द इम्प्योर ब्लड टू द लेफ्ट लंग एंड द राइट ब्रांच विल कैरी द इम्प्योर ब्लड टू द राइट लंग. देयर आफ्टर द ब्लड गेट्स प्योरिफाइड इन द लंग्स. आफ्टर प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा. ऑक्सीजन ऐड होने के बाद वो ब्लड प्योरीफाई होकर प्योर ब्लड बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट इज़ कैरीड बाई द पल्मनरी वेन्स. नॉट द ओनली वेन्स विच कैरी प्योर ब्लड आर द पल्मनरी वेन्स. ये पल्मनरी वेन्स जो होती हैं प्योर ब्लड को वापस हार्ट में लेके आते हैं. अब आप ध्यान से देखिए यहाँ वेन्स बने हुए हैं. सी दिस इज़ वन पल्मनरी वेन. ओके. एंड दिस इज़ द सेकेंड पल्मनरी वेन विच इज सीन. ओके. ये ब्लड आ रहा है, दिस इज़ द प्योर ब्लड विच इज़ कमिंग फ्रॉम द हार्ट इन टू द पल्मनरी वेन्स. ओके. अब आपको ये बता दूँ कि हर एक लंग में से दो पल्मनरी वेन्स आते हैं. दैट इज़ ये दो पल्मनरी वेन्स जो हैं ये अगर राइट लंग से आए हैं तो लेफ्ट लंग के दो पल्मनरी वेन्स इस और आट्रियम के पीछे होते हैं, पीछे से आ रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे सकते, वो थ्री डायमेंशन में दिखेगा. अब ये जो प्योर ब्लड है इट इज़ एंटरिंग द लेफ्ट आट्रियम. ओके. एंड इन द लेफ्ट आट्रियम अ प्रेशर इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ विच द बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन अप एंड द ब्लड विल एंटर इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा ये ब्लड. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, इसके वॉल्स ज़्यादा थिक होते हैं. राइट वेंट्रिकल के वॉल्स की कंपैरिजन में ये वाले वॉल्स ज़्यादा थिक होते हैं. इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है, इट हैज़ टू सप्लाई द ब्लड टू फार ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके. सो मोर प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर द आयटा टू पास द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एस्पेशली टू द ब्रेन अगेंस्ट ग्रेविटी. इसने तो सिर्फ ब्लड
लंग्स तक भेजना है, मगर इसने पूरी बॉडी में भेजना है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए, तो इसकी वॉल्स ज़्यादा थिक होते हैं। अब वॉल्स ज़्यादा थिक होने के कारण यहाँ प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होने के कारण ये हमारा आएटा है। दिस इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट वेन वॉज वीना कावा, लार्जेस्ट आर्टरी इज आएटा। ओके, दिस आएटा इज ऑल्सो हैविंग द सेमीलूनर वेल्व्स। The seminunar valves of the aorta will open up and the blood will enter into the aorta. From the aorta, the pure blood is carried to all different parts of the body. It has got three branches basically. Okay? One branch will carry the blood to the brain. One will carry back to the heart. And this is the third one, which will be supplying the blood by branching and rebranching several times to different parts of the body. That's how the aorta is functioning. So this is about the structure of human heart. Now one of the most important things that you need to understand is क्या होता है कि जो blood है वो impure form में और pure form में एक साथ heart के अंदर enter करता है। Impure blood right atrium में आता है और pure blood जो है वो impure blood जो है वो ठीक है right atrium में आता है और जो pure blood है वो left atrium में एक साथ आता है। जब ये एक साथ आएगा तो ये valves जो हैं एक साथ खुलते हैं। ओके, जब ये वेल्व्स बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स एक साथ खुलते हैं तो ब्लड एक साथ वेंट्रिकल में आता है और फिर ये एक साथ बंद भी हो जाते हैं। जब ये बंद होते हैं तो पहली हार्ट साउंड यानी कि लब की साउंड आती है। ओके, इट विल प्रोड्यूस द फर्स्ट हार्ट साउंड लब। फिर क्या होता है, इन दोनों वेंट्रिकल्स में एक साथ प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण ये सेमी लूनर वेल्व्स एक साथ खुलते हैं एंड ब्लड पासेस इनटू द aorta as well as the pulmonary artery. When the blood enters them, then the seminunar valves close together. यानी कि एक साथ ये seminunar valves close होते हैं। जैसे ही ये shut down होते हैं valves, तो second heart sound, यानी कि dup is produced. So the first heart sound is lub and the second heart sound is dup. So this is the heartbeat. Lub dup is the heartbeat. Okay, and your heart in 1 minute it beats 72 times on an average. Okay, इतनी बार heartbeat on an average होता है. So this is about the functioning of human heart. In my next video, I will be teaching you how to draw the human heart according to the diagram given in the NCERT, so that you will be able to draw the right diagram in your exam and score very well. Okay, so children, go through the video, you can even go through your textbooks and then write down whatever notes you are going to write down, and whatever doubts you have, you can ask me in the comment section.